1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, तो बांग्लादेश आज के हमारे सिचुएशन देखकर क्या फील करता होगा, क्या बांग्लादेश के दिल में आती होगी बात? देखें, ये तो एक अजम्पशन पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन जो डेटा और फैक्ट्स देख के जो मुझे लगता है, अगर मैं बंगाली होता तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता। क्यों? क्योंकि ये शुक्र अदा करना मेरा बनता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनके पास आज इस्टेब्लिशमेंट का, यानी कि आर्मी का रोना नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो आज आर्मी के गुलाम नहीं है। दे हैव अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अ सेकुलर स्टेट, दे आर बेटर देन अस, देयर एक्सपोर्ट्स आर बेटर देन अस। वो हर लिहाज से हमारे से आगे जा रहे हैं, तो उनको तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने आप का। उनको तो उस एक वाक्य का, ये 1971 की जंग का या शेख मुजीबुर रहमान साहब का तो मतलब मशकूर होना चाहिए कि हाँ, वो हमारा हिस्सा नहीं है। और हमें भी खुशी है कि यार हमारे से दूर हो गए कोई अच्छा है। आपसे दो हमसे दूर होके हमारा पार्ट था भाई, हमें तो दुख हुआ, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ये प्रिडिक्शन दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश तो टके के टका चलता ना वहाँ पर, तो ये टके के लोग हैं तो ये 2 साल भी नहीं पूरे कर पाएंगे, 2 साल भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आज देखें कि वो दुनिया के एक डेवलप कंट्रीज में ऐसा आया। और एक और बात बताऊंगा आपको, पाकिस्तान ज्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते थे कि इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने हमसे अलग करवाया, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं इंडिया की साजिश नहीं है, ये जनरल यूब खान की साजिश थी, ये जनरल टिका खान की साजिश थी, ये जनरल न्याजी की नाकामी थी, ये हमारी अपनी नाकामी थी, हमारे अपने प्रेजुडिसेस थे, हमारे अपनी बिजनेस थी, हमने उनको राइट्स नहीं दिए, इवन जिना की भी नाकामी थी, जिना की भी गलती थी। तो ये मतलब क्यों हम इंडिया को ब्लेम करें? वाई? दुश्मन से किस चीज़ का गिला हो सकता है? जब हम उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं तो दे कैन डू एनीथिंग। तो द फेलियर वाज आर्स, हम नाकाम हुए, इंडिया नाकाम नहीं। वो तो उसका मसला नहीं था, उसने तो मौका देके चौका लगाया। दैट्स इट। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात होते हैं, हम ब्लेम अपने ऊपर लेने के बजाय हम कहते हैं कि इसमें इंडिया की साजिश, इसमें अमेरिका की साजिश, इसमें दूसरी किसी कंट्री की साजिश, हम ब्लेम कब अपने ऊपर लेना स्टार्ट करेंगे? देखें, ब्लेम लेना ये हौसले का काम है। एक जो कम थिंकिंग बीइंग है वो हमेशा जो है कंस्पिरेसी थ्योरी पे जो है ना वो डिपेंड करता है। कंस्पिरेसी थ्योरी पे मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि उसको अपना आप उसमें ना सेफ जोन में महसूस होता है। कंस्पिरेसी थ्योरी में जब आप अपने तमाम किए धरे का किसी और को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दें और अपने आप को कहें कि मेरे हाथ साफ है, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ, तो वो अट्रैक्ट करता है, वो अच्छा लगता है, तो लोग गो फॉर द पीपल विल ओबियसली गो फॉर द कंस्पिरेसी थ्योरी, सूडो साइंसिस के पीछे वो जाएंगे, नॉट ऑन द रियल फैक्ट्स एंड द नंबर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कैसे समझते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे जानते हैं? Yeah, they are the fifth largest economy and it's a big deal. It's not a small thing. तो क्या हम ब्लेम्स और दूसरी चीजें करने के अलावा इंडिया के साथ बेटर रिश्ते नहीं कर सकते बराबर? भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो एक सादा सा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वेस्ट आपस में सदियों लड़ा है, हम तो अभी 75 साल से उनसे अलग हुए हैं, हमारा तो उनका मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। अगर हम वेस्ट को देखें तो कहाँ ट्रिटी वेस्टफिलिया से भी लेके वो पीछे 1000 साल से वो आपस में लड़ते आ रहे हैं। जर्मेनिक ट्राइब्स को देख लें, ट्रिटी वेस्टफिलिया देख लें, उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स देख लें, बाकी सारा हमारा तो इतना कोई मुद्दा भी नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है। हमारे उनके साथ बेहतर टाइज होने चाहिए, मसला ये है कि हमारे बेहतर टाइज ना होने की वजह से पाकिस्तान में एक तबके का फ़ायदा है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनका एक तबके का फ़ायदा हो रहा है, उनकी रोजी रोटी हमारे टैक्सी से लगी हुई है, तो दे विल नेवर एवर थिंक कि ये मसला हल हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। जी, उनका प्रोटेस्ट करना बनता था कि आप लोगों ने उनकी गंदम की जो खेप है उसको कम किया, ठीक है। आप लोगों ने उनको जो जगह थी उनकी फारिग जगह थी जो खुली पड़ी थी, आपने उन पर कब्जा करने की कोशिश की। आप उनको अपना सूबे का दर्जा नहीं देते, आप पे उन पर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है, आप दूसरी तरफ उनकी जगहों पर कब्जा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन पर उनकी जो गंदम की जो मकदार थी, स्पेसिफिक मकदार, आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, उसको भी कम कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, और क्या करेंगे वो? तो वो कहते हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी हमारे कब्जे में ही नहीं है। बहरहाल ये है कि कब्जा किसी भी सूरत में बुरी चीज़ है, अच्छी नहीं है, आइदर वो इंडिया कश्मीर पे करे या हम गिलगित बल्तिस्तान पे करें, एक ही बात है। तो हमने भी कब्जे किए हुए हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। बिल्कुल सही। सो आने वाले हालात जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हैं हम, तो चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। अगर आटे की कीमत देखो तो आटे के लिए यहाँ पर जंगें हो रही हैं, लोग कतारों में लग रहे हैं, लोग लाइनों में लग लग के मर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आपके, ये भूख है या फिर ये हमारी प्लान प्री प्लान है, किसी मुल्क की साजिश है? जो हम अक्सर कहते होते हैं कि भाई अमेरिका की साजिश है, इंडिया की साजिश है कि हम डेवलप नहीं हो रहे, हमारे पे हालात ख़राब हैं, तो ये आप किसको देखते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखते हैं? जी देखें, आप मैं आपको बताया हूँ, मैं खुद मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का मुताला कर रहा हूँ, तो मैं कम अज़ कम ये एक थिंकिंग बींग ये नहीं कह सकता किसी मुल्क की जो है ना साजिश है, मैं तो नहीं ये मानता। भाई आपके पास है क्या,
लोगों को आपको क्या चाहिए, इसराइल को आपसे क्या लेना है, अमेरिका का आपसे क्या लेना देना है। उसने डॉलर दिए, आपने उनके लिए जंगें लड़ दी, हमने उनके लिए जाने भी दे दी, अपने अड्डे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, उनके पास डॉलर है, वो हमें फिर से खरीद लेंगे। हम तो बल्कि वेट करना चाहिए, पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि एक आधा 9/11 हो जाए और हमें फिर से डॉलर मिल जाए। ये मामला है, तो मैं कभी भी नहीं ये सोचूंगा कि बुरेनू मुल्क की साजिश है। जाहिर बात है, अगर आप इंडिया के साथ फ्रंट पर हैं तो आप भी साजिश कर रहे हैं। मुंबई हमलों वाले मामले में नवाज शरीफ के बयान उठा के देख लें, और उसके अलावा देख लें कितने उड़ी वाले और बाकी, खैर हमने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, चूंकि दुश्मनी है तो खैर ये जस्टिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन इकोनॉमी के लिए ये सोचना कि भारत, बल्कि हमसाये की इकोनॉमी बेहतर हो तो उसको भी फायदा है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है तो इंडिया का भी उसको फायदा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी खराब हो। आप क्या समझते हैं कि हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसियों, कौन से पड़ोसियों के साथ ज़्यादा बेटर है? किसके साथ बेटर है? बेटर नहीं है यार, चाइनीज कॉलोनी, इकोनॉमिक कॉलोनी, दैट्स इट। आप अगर बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अगर आप बात करेंगे, चले हम बात कर लेते हैं दोस्तों की, अपने जो पड़ोसी हैं उनकी, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, उसके बाद बात करेंगे ईरान के साथ कैसे हैं। इंडिया के साथ तो खराब है ही है, चलो इंडिया के साथ समझ जाता है कि हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारी क्या लगती है, क्या क्यों नहीं बनती? देखिए, अफगानिस्तान से ताल्लुकात आपने किस वजह से कायम किए थे, मुझे ये बात बताएं कि जनरल फैज हमीद आज इसकी इस बात की आके हमें वजाहत दें कि आपने वहाँ पे जाके चाय पी और उसको ग्लोरीफाई किया, उसको फैंटेसाइज किया कि हमने अमेरिका को हरा दिया अमेरिका की मदद से। व्हाट द हेक वाज दैट? आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट को एक जगह पे मार रहे हैं, वही उसका ही एक दूसरा सेक्शन आके पाकिस्तान में ये कह रहा है कि वही शरिया कानून जो कि अफगानिस्तान में नाफिज है वो हम यहाँ पे नाफिज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टेट में उससे मसला है। एक नजरिया एक रियासत में आपकी हदूद के बाहर ठीक है, आपकी अपनी रियासत में आ रहा है तो वो नजरिया गलत है, तो यानी कि आपकी अपनी पॉलिसी गलत थी ना, आपने वो क्यों चाय को फैंटेसाइज किया? आप जनरल फैज हमीद आके बताएं कि वो क्यों अफगानिस्तान की उस तरफ जा रहे थे। अगर आप एग्री कर चुके हैं तो आप उनको तस्लीम करें, अब यहाँ पे भी शरिया कानून नाफिज करें, यहाँ पे भी टीटीपी को दे दें हुकूमत। अगर यहाँ पे टीटीपी को हुकूमत नहीं दे सकते तो वहाँ पे तहरीक तालिबान आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं? आपने उनको मुल्क तस्लीम नहीं किया, वहाँ पे लाखों लोगों की जाने जो हैं वो खत्म हो सकती हैं। मतलब आई डोंट थिंक इट्स टोटली इरेशनल एंड इलॉजिकल, व्हाई आई डोंट नो। एक हमने तालिबान के बारे में चीज बनाई थी, एक अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, ये पता है आपको? या आई नो। तो इसके बारे में क्या समझते हैं, तालिबान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं क्या? खैर तालिबान बुरे ही होते हैं, अच्छे तो मुझे तो कोई तालिबान अच्छा नहीं मिला। बहरहाल बात यह है कि अच्छा बुरा डिफाइन किस तरह से किया जाता है। मैं किसी शख्स के किरदार के बारे में, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसका किरदार की असैसिनेशन करूं या उसके किरदार के बारे में कोई जजमेंट पास करूं, वो एक नज़रिए का नाम है, उसके पीछे एक स्कूल ऑफ थॉट है। आप उससे लॉजिकली बैठ के इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके इम्पोज करने को बुरा कह सकते हैं। वही मैं बात जो पहले कह रहा था कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान क्या है, कि वो तालिबान जो अफगानिस्तान में दंगा कर रहे हैं वो ठीक हैं, जो पाकिस्तान में दंगा कर रहे हैं वो गलत हैं। व्हाट्स दिस नॉनसेंस, आई डोंट नो। ये तो गाइस मेरे साथ एक गिलगिती भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? इधर काम कर रहा हूं चाइनीज का। सही, तो मैं बात बेसिकली करने जा रहा हूं आपसे बांग्लादेश के ऊपर। सर बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था 1971 को, 1971 के अलग होने के बाद आज जब हम देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमारे जो हालात हैं वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया पाकिस्तान से, तो वो अलग होकर अभी क्या सोच रहा होगा हमसे? बंगाली लोग यही सोच रहा होगा ना कि पाकिस्तान से अलग होकर हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ था तो पाकिस्तान की हालात इतना बुरा है, और स्पेशली जो हमारे एरिया गिलगित ना, उधर तो आपको पता है खालिस्तान सरकार के नाम पर सरकार आके ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, उधर भी धरना चल रहा है। हालांकि आपको पता है जो मुतनाज़ इलाके हैं ना, उन पे हुकूमत हर चीज़ पे सब्सिडी दे के लोगों को रियायत देता है, यूएन चार्टर में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आके उल्टा आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जीबी से लाखों डॉलर कमा रहे हैं सालाना, केटू ड्यूसाइज के ऊपर ना इतना फॉरनर आते हैं जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं, तो उस धरने को कैसे देखते हैं आपके, वो क्या क्या उस धरने का मकसद क्या है? सर वो कहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो, क्या वो समझते नहीं, क्या उनके दिल में ये तो नहीं आ रही कि हमने आज़ादी लेके गलत कर दिया इंडिया से? नहीं नहीं, वो लोग यही कहते हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, जो 71 में हमारे 3 गाँव ले गए थे इंडिया ने, तो उनके बाप उधर रह गया बेटा इधर, माँ उधर रह गया बेटी इधर, तो वो कहता है जो करगिल का रोड खुले ना तो वो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे से मिल सके, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। उनका मेन रिलेशन इंडिया से बेहतर करने का मतलब है जो बहन भाई है आपस में जुदा हुआ है, एक बाप है उसका बाप पाकिस्तान में बेटा इंडिया में, 1971 के जंग के बाद आप फोन पे बात होता है वसीम नहीं मिला है।
तो मतलब कि मिलने नहीं दे रहे इसीलिए। वो कितने खानदान को इंडिया ने अपने कब्जे में लिया था 1971 में? 71 में बेसिकली तीन जो गाँव थे ना, तीन देहात इंडिया ने कब्जा कर लिया था। तो उसमें से एक दो देहात के लोग आ गया इंडिया छोड़ के, एक उधर रह गया। बीच में जंगबंदी हो गया तो बॉर्डर लग गया, इंडिया ने इलाका वापस नहीं किया तो उन्हें कब्जा करते वो रख दिया ना। तो किसी की बहन किसी के भाई उधर, इस तरह सीन हो गया। तो वो कहते हैं कि करगिल रोड खुल जाए तो ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, यही है। बिल्कुल सही। जिस तरह से अब हम देखते हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं, कश्मीर का मामला देखें, हम गिलगित बल्तिस्तान का देखें, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को अभी गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है? जो सब्सिडी मांग रहे हैं गवर्नमेंट, वो दे देना चाहिए अब आवाम को कि नहीं? हाँ, वो तो देना चाहिए, लेकिन वो अपनी सब्सिडी के बारे में सोच रहे हैं ना, हुकूमत अपने लिए क्या शहबाज शरीफ सोच रहे हैं कि मेरे केसेस किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग वाला खत्म हो जाए, बाकी वो पीपल्स पार्टी वाले अपना केस के पीछे पड़ा, उनको गिलगित और कश्मीर का क्या फिक्र है, वो तो अपना बैंक बैलेंस के पीछे आया हुआ है। आप एक गिलगित बल्तिस्तानी होते हुए, आप गिलगित से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या पर्सनली क्या समझते हो कि इंडिया के साथ ताल्लुक बेटर होने चाहिए या नहीं? यार देखो, हमारे उधर भी मिसाल है ना, जो आपके दूर के रिश्तेदार से करीब के दुश्मन बेहतर है ना। तो हाँ, अगर हम चाहिए कि अच्छा रिलेशन रहे, लेकिन अगर वो हमें उंगली दिखाता तो हमें भी दिखाना चाहिए। लेकिन अभी इस मामले में ना, हमारे गिलगित वाले में तो बहुत सीरियस मामले, मैंने आपको बोला ना, यही खानदान जुदा हुआ है 30 सालों से। अगर आप हम एक साल अगर अपने बेटे से नहीं मिले तो कितना दुख होता है। अभी 50 साल हो गया एक दूसरे से नहीं मिला, तो ये दुख की बात हुई ना आवाम के लिए। तो हम पूरा जीपी, अभी देखो अगर एक बंदे का मसला होता तो नहीं था, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान एक हुआ है। हुकूमत को सोचना चाहिए, वफाकी हुकूमत को। बाकी अभी हमारे गंदम की सब्सिडी कम करके वो बेच रहे आगे, बहुत सीरियस इशू चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी मजाक ले रहा है, लेकिन ये इनके गले की हड्डी पड़ेगा, गले की हड्डी बन जाएगा ये जी हुकूमत के लिए ना, वफाक की। वो जीबी में पीटीआई गए तो वो सिर्फ जिद की वजह से नहीं दे रहे, बाकी और कुछ नहीं है, जिद। वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है तो हम वफाक से कुछ नहीं देंगे। बजट में भी पैसा नहीं दिया जीबी वालों को। जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए भाई मौजूद है, तो हम पूछते हैं कि हम खुद तो नहीं जा पाए गिलगित, लेकिन जो आए हुए इनसे पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और जो हमें मीडिया, जो कि हमारी मीडिया कवर नहीं कर रही कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद आकिब। बहुत जबरदस्त, कैसे आना हुआ लाहौर में आज? जी मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ, मेरा 5वां सेमेस्टर है। अभी गिलगित बल्तिस्तान से? जी गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान अभी? जी गिलगित बल्तिस्तान। नाम आपका? मोहम्मद आरिफ तोकीर अहमद। बहुत जबरदस्त। तो बात करने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि अलग होने के बाद 1971 में अभी जब वो पाकिस्तान के हालात देखता है तो बांग्लादेश क्या फील करता होगा पाकिस्तान को देखकर? जी ये 1971 में बदकिस्मती से बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था कुछ वजूहत की बिना पे ना, उसके बाद से ये हुआ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना आज 1947 के बाद से ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, आर्मी का काफ़ी रोल रहा है इस्टेबलिशमेंट का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हुई, उसकी वजह से आप तरक्की वगैरह में ना काफ़ी रुकावटें वगैरह हुई। बांग्लादेश जबकि हमारे हमसे 1971 में अलग हुआ बदकिस्मती से, लेकिन उन्होंने प्रोग्रेस किया वहाँ पे, जो उनकी लीडरशिप है पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, आर्मी का कोई रोल वगैरह अमल दखल नहीं हुआ। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अब देखा जाए तो पाकिस्तान में अब तो कोई 4 मार्शल ला लग चुके हैं, आर्मी वाले आए उन्होंने अपने हिसाब से चलाया हुआ, 1 मार्शल ला लगने से जो मुल्क होता है वो पीछे चला जाता है, कम हो गए 30-40 साल पीछे चला। इसी तरह बार बार हमारे यहाँ आर्मी का मुदाखलत हुई, प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला गया अपनी सीट से, इसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। आज आप देखें तो बांग्लादेश के जो करेंसी है वो पाकिस्तान से बहुत आगे, इवन सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये प्रिडिक्शन कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई वो टके के लोग हैं, वहाँ पर बांग्लादेश में टका चलता है ना, तो वो टके के लोग हैं तो 2 साल भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली, उनके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके अगर देखते हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो वो जब देखते हैं तो क्या फील करते होंगे इस टाइम पाकिस्तान के हालात देखकर? आप टके के लोग कह रहे हैं, असल में अब आप खुद देख सकते हैं कि 2 टके के लोग कौन है। अगर वो 2 टके के होते तो आज वो हमसे आगे ना होते। एशिया में आप देख रहे हैं बांग्लादेश इवन इंडिया से भी आगे जा रहा है इस वक्त, उनकी इकोनॉमी आप देखें, पाकिस्तान के पास रिजर्व ही नहीं है, IMF पे हम चल रहे हैं बदकिस्मती से, हमारी एज आप देखें बांग्लादेश की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहा है, उनकी आप GDP देखें वहाँ पे, उनके पर कैपिटा और उनके जो इकोनॉमी है और उनकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है? नहीं, वो आज यही सोच रहे होंगे कि हम
मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि हम 1971 में अलग होके अच्छा हुआ हमारे साथ, वरना आज अगर आज साथ होते तो हमारा भी हाल यही होता। आप देख रहे हैं एक जो बच्चा पैदा होने वाला बच्चा भी 1.5 लाख का मकरूज है, उसने अदा करना है, ये हमारा हाल है पाकिस्तान का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बांग्लादेश के अलग होने में इंडिया की साजिश थी, अमेरिका की साजिश थी, या फिर बहुत सारे मुल्कों की साजिश थी। क्या समझते हैं आपके साजिश थी किसी की, या फिर हमारी खुद की नाहली थी, हमारी खुद की गलतियां थी कि जो कि बांग्लादेश हमारा जो हिस्सा था वो हमसे अलग हुआ? इसकी बहुत सी वजूहत हैं, ये हमारी नाहली भी है लेकिन बाहर की भी है मुदाखलत। इंडिया ने खुद, आपको पता है इंडिया की आर्मी खुद वहाँ पे लड़ी है बांग्लादेश के साथ, वो एक तो हमारी आर्मी की वजह से ना वीक थोड़े हुई, इंडिया का पर्सनली इंडिया ने वहाँ पे वो किया, और बाहर के ममालिक की मुदाखलत रही है, ज़रूर रही, लेकिन हमारी भी इसमें कोताही वगैरह है। जैसा कि उनके बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान आपको था पता था, शेख मुजीबुर्रहमान उधर और इधर हमारे जन भुट्टो, तो असल शुरू तो वजह ये बनी कि इलेक्शन में आपको पता है शेख मुजीबुर्रहमान ने जीते सीट ज़्यादा, और इधर मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो ने, भुट्टो का ये था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, शेख मुजीब का ये था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो उन्होंने शेख नुकात भी पेश किया अपना, और बंगाल ये चाहते थे बांग्लादेशी की करेंसी भी उनकी हो और कौमी ज़बान भी, वो ये डिमांड कर रहे थे। तो हमारा ये हुआ कि पॉलिटिकल उनकी वजह से नहीं बनी आपस में, इस वजह से बाहर के जो ममालिक है खासकर इंडिया को एक बहाना मिल गया कि मुदाखलत करना, और उन्होंने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। जो तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश अभी देखें कि एक पार्ट है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान, आपको लगता है कि शुरू से ही हमारे पास वो पावर थी क्या, हम शुरू से ही मतलब कि पॉलिटिक्स में अपने मुल्क को सही चला रहे थे? शुरू से आप देखें ना, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पहले कायद अजम, फिर लियाकत अली खान जो कि हमारे वज़ीर आज़म थे, उसको कैसे शहीद किया गया, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म आता है जो पाकिस्तान का सोचता है तो वो बाहर के ममालिक जो मुखालिफ हैं अमेरिका या दूसरे ममालिक, वो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको डिस्टेबलाइज करें, तो उसके लिए वो बहुत से हरबे इस्तेमाल करते हैं। आप शुरू से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर भी अपने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आपने कहा इंडिया की साजिश थी, तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप मतलब कि आप इतने शार्प होते हैं कि आपको पता होता है कि मेरे उस एरिया में क्या चल रहा है, उस घर में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, आप एक मोहल्ले में रहते हैं तब भी आपको एक एक घर की खबर होती है। तो हम एक मुल्क चला रहे थे भाई, हमें इतनी आगाही भी नहीं थी कि बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी खुद की नाहली थी, हमारी खुद की मिसमैनेजमेंट थी, आप इस बात को नहीं समझते? जी मैं जरूर समझता हूँ, इसमें हमारी भी मिसमैनेजमेंट है, आप ज्यादा है। आप ये मौका देंगे तो भाई अगले बंदे ने तो वार करना ही करना आप पे, आप डिनाई नहीं कर सकते। एक मगरब पाकिस्तान जो पूरा एक बड़ा वो है पार्ट है बंगाल, उसको आप कैसे उनको डिनाई कर सकते, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पूरी वो है, उनके जो लीडरशिप शेख मुजीबुर्रहमान पूरी एक वो वोट अवामी वोट से आया था, 100+ उसकी सीटें थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं आपकी जगह मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ? तो ये तो होना ही था, उन्होंने अपने जो उसकी आवाम है उसके साथ खड़े हो गए, और दूसरे भारत को उनको मौका मिला और पाकिस्तान को उन्होंने 2 लाख किया। बिल्कुल सही। तो अभी जो सिचुएशन चल रही गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान का मीडिया कवर बिल्कुल नहीं कर रहा, गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान का मैं जरूरी मेंशन करना चाहूँगा, आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए गिलगित बल्तिस्तान में -10-15 सेंटीग्रेड में लोग एहतजाज कर रहे हैं जो हुकूमत के खिलाफ। वो क्यों कर रहे हैं, ये शुरू से 1947 से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान ने हमारे आबा अजदाद ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, उसके बाद बिला मशरूत पाकिस्तान के साथ उन्होंने इलाक किया, ठीक है, इलाक करने के बाद आज तक आप देखें 70 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी शिनाख्त नहीं दी, उसके साथ हुकूक भी हमें नहीं दिए जा रहे हैं। अभी आप देखें गिलगित बल्तिस्तान, आप देखें तो वो एक मुतनाज़ इलाका है, UN के रेजोल्यूशन हैं इसके, अब मुतनाज़ इलाका में आप टैक्सेस वगैरह नहीं ले सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस वक्त इसलिए एहतजाज पे हैं, वहाँ पे गंदम सब्सिडी होती है वो ख़त्म की हुई है, लैंड रिफॉर्म से असम्बली का बिल पास हुआ है, वहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं लोगों पे, उसकी वजह से, और गंदम का शॉर्टेज आजकल बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी वजह से लोग 10 दिनों से वो एहतजाज पे हैं, 10 से भी ज़्यादा, 2 हफ्ते हो गए, आवाम हुकूमत इस पे कोई सीरियस नहीं ले रही है। दूसरे में मीडिया का आपने बात किया, तो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो नेशनल मीडिया है यहाँ पंजाब में, लाहौर में, सिंध में या पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई भी होता है कुछ भी, कोई चीज़, कोई एक डांस मशहूर हो गया रिसेंटली, वो कवरेज दे दिया उन्होंने पूरे मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, लेकिन हमारे GB में वो क्यों नहीं दे रहे, ये बड़ी नाहेली है। सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स, आजकल सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिखा रहे हैं, इशूज़ नहीं दिखा रहे, पूरा एक सूबा है GB का सूबा, पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश अलग हुआ है हमसे, नहीं सीखा, बलूचिस्तान में क्या चला, हमारे GB में आजकल क्या चला, कम से कम मीडिया को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम की बात को सुने कि वो क्यों स्ट्राइक पे हैं, वरना कोई भी सर्दी में स्ट्राइक पे नहीं आता।
भाई क्यों नहीं, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 75 सालों में वो वक्त कब नहीं आया कि जब हमें करना चाहिए था। अभी अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं जावेद चौधरी के या हामिद मीर ने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा है कि मोदी पाकिस्तान का दौरा करना चाह रहे थे अप्रैल में, आफ्टर द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वो मोदी पाकिस्तान आना चाह रहे थे, वो बलूचिस्तान में एक मंदिर का इफ्तिताह करना चाहते थे करतारपुर कॉरिडोर की तरह। यहाँ पे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि यहाँ पे मोदी साहब आ गए तो उन्होंने पीछे से जो है कश्मीर के सौदे की बाजगश्त सुननी पड़ जाएगी, लोगों को ये लगेगा कि हमने जो है ना वो कोई डील कर ली है। भाई डील की बात अलग थी, आपको एक दफा से उनके डील नहीं की सब जानते हैं, अगर कोई डील होती भी तो वो आवाम में बड़ी जल्दी मकबूल हो जाती, ठीक है। अगर मोदी साहब आ रहे थे पीस मिशन कीपिंग के लिए आ रहे थे, और इवन बाजवा साहब की नाराजगी ये थी इमरान खान साहब से कि आपने उनको नहीं आने दिया, ये मसला था, यानी कि वो चाह रहे हैं। मोदी साहब अपने जलसों में कह रहे हैं कि मैं किससे मुजाकरात करूं, आपकी ब्यूरोक्रेसी से करूं, आपकी जुडिशरी से करूं, आपकी आर्मी से करूं, आपकी गवर्नमेंट से करूं, आपकी तो गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है, क्यों मुजाकरात करूं मैं। वो अपनी जगह पर राइट है। या आई थिंक मुजाकरात बराबरी के होने चाहिए ना, मुजाकरात बराबरी के दो फ्रीकैन के दरमियान होने चाहिए। पाकिस्तान में फ्रीकैन, पाकिस्तान का कोई फ्रीक नहीं है, पाकिस्तान की फ्रीक पाकिस्तानी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, क्या है? हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुजाकरात करे कौन, आर्मी करे, ब्यूरोक्रेसी करे, जुडिशरी करे, कौन करे? हमारे कायद ने मुल्क तो ले लिया, पर क्या लगता कि आपको कि हमसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, क्या वजूहत लगती है कि आपको, क्या हमें प्लानिंग नहीं करनी आती, क्या आपको क्या लगता है कि हमें वो जिस तरह से एक मुल्क चलता है, एक डेमोक्रेसी चलती है, वैसे नहीं चल रही। इंडिया की अगर आप देखेंगे तो एक डेमोक्रेसी चलती है, पता चलता है कि प्लानिंग है, आने वाले 20 सालों में कहाँ है, 10 सालों में कहाँ है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? अगर आप तारीख का मुताला करें तो आप ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिन्ना साहब अपनी जो नज़रियात थे उनमें वाजे नहीं थे। बीबीसी को वो इंटरव्यू देते थे तो वो कहते थे कि हमारी रियासत में हिंदू मुस्लिम सब बराबर होंगे, दैट गोज फॉर द सेक्युलर स्टेट, जो कि उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में भी कहा कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है उसका रियासत से लेना देना नहीं है। मुसलमान मुल्ला से खिताब कर रहे हैं, आम आवाम से खिताब कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा आयन कुरान है, हमारा आयन 1400 साल पहले तश्कील पा चुका है। वो अपनी नजरियात में बिल्कुल वाजे नहीं थे, उन्होंने एक दफा भी नहीं बताया कि हमारी रियासत सेकुलर होगी, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट होगी, शरिया का कानून नाफिज होगा, क्या होगा। पहली चीज ये थी कि पॉलिसी मेकिंग खुद जिन्ना के पास नहीं थी, जिन्ना के बाद हमारे टॉप लीडरशिप के पास नहीं थी तो मुस्लिम लीग के पास कहां से आनी थी, मुस्लिम लीग के पास नहीं थी, और उसके बाद एक बड़ा गैप था लीडरशिप का, वो नहीं फिल हो सका। जैसे ही जिन्ना गए हमारे पास लीडरशिप थी नहीं, बिल्कुल भी लीडरशिप नहीं थी। और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का बना क्या, हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल्स हैं उन्होंने उठा उठा के मारा इनके वज़ीरे आज़म को, वज़ीरे आज़म ऐसे तब्दील होते रहे हैं जैसे वो, उन्होंने तंज भी किया था कि इतनी तो मैं साड़ियाँ तब्दील नहीं करती इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, जितने इनके वज़ीरे आज़म तब्दील होते हैं। तो दूसरी तरफ ये कि उन्होंने 75 साल किसी भी, उनकी तो आई थिंक एक से दो दफ़ा इमरजेंसी नाफिज हुई है पूरे हिंदुस्तान में, एक दफ़ा भी नहीं हुई एमरजेंसी नाफिज, मार्शल लॉ की सूरत में नहीं हुई, इस सूरत में हुई थी जब उनकी प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ था वो सिख राइट्स के बाद, एक दफ़ा तब नाफिज हुई थी, और एक दफ़ा उन्हीं एतवार में मेरे ख्याल से एक दफ़ा ही हुई है जब वो अमृतसर पे अटैक किया था इंडियन आर्मी ने, एक दो दफ़ा उनके पास, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, तो लेकिन ये मामला मुझे कन्फर्म पता है कि एक दो दफ़ा ज़रूर हुई है। उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू किया है, हम लोग आज तक डेमोक्रेसी की तारीफ ही नहीं कर पाए कि व्हाट इज़ इस्लामिक डेमोक्रेसी, हमें बताया जाए ना, कहाँ से लिटरेचर उठाया आपने, कहाँ से इंटेलेक्चुअल लिए इस्लामिक डेमोक्रेसी, वी डोंट नो, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया। इस्लामिक सिस्टम होना एक अलग चीज़ है, जो कि एक अलग डिबेट है कि अदर इस्लाम इज़ अ सिस्टम और नॉट, और डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ है। डिबेट को ख़त्म करते हैं, बताएं कि हल क्या है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं मुल्क को जो कि हालात खराब हुए हैं, या डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या इस्लामी लॉ कायम कर दें, क्या करें जिसकी वजह से हम डेवलप हो सके, हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकें। भाई देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसा कोई नुस्खा कीमिया नहीं है कि मैं आपको दूं और पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, एक ऐसा नुस्खा कोई है ही नहीं, मल्टीपल चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, हमें लिटरेसी पर काम करना पड़ेगा, हमें अपनी इकोनॉमी, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर इस्लामी लॉ होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें, क्या होना चाहिए? सेकुलर डेमोक्रेसी। या तो फिर हम ला क्यों नहीं, बिकॉज हमें जो है वो एक तरह से अफ्यून का नशा दे दिया गया है कि जो आपका जो निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है, ये इस तरह से है, ये उस तरह से है, और जो है ना ये एक जन्नत का वाहिद रास्ता है, 1400 साल पहले का निज़ाम, 1400 साल का पहला निज़ाम ऐसा नहीं था, आपने उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की है, और फिर पब्लिक लेवल पे, अवामी सतह पे आप बिल्कुल भी नहीं समझा पाए हैं कि व्हाट आर वी मेंट बाय द इस्लामिक डेमोक्रेसी, आप इसको नहीं डिफाइन कर पाए। इस्लामिक डेमोक्रेसी आप देखेंगे तो सऊदीया में है, मिडिल ईस्ट में टोटली में है, तो आप देखेंगे, देखते नहीं है। आप मेरे सीनियर हैं, सऊदीया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आप ये गलती, इस्लामिक रूल चलते हैं ना,
डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे तो सॉरी मिस्टेक होगी, डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक रूल्स वहाँ पर है तो देखे ना वो कंट्री भी डेवलप है।